जो बिहार में जो चुनाव होती है वो देश को भी प्रभावित करता है। बिहार निर्वाचन पर प्रचार मैदान रे हेवी वेट। बिहार रे विजय बिगुल बजाय निर्वाचनी रणक्षेत्र को ओल्लाइले बीजेपी स्टार कैंपेनर धर्मेन्द्र। प्रथमे बांका परे भागलपुर और शेषे पटनार विभिन्न अंचल होता विभिन्न निर्वाचनी रैली रे जोगदे जोरदार प्रचार करते धर्मेन्द्र। बिहार जैसे राज्य अगर उस ताकत की सिरमौर नहीं होगा, ताकत की मूल शक्ति पुंज नहीं होगा, तब भारत आगे नहीं जा सकता है। मैं आपको निवेदन करने के लिए आया हूं, अगर बिहारियों की ताकत से मेहनत से बिहार की भावनाओं से देश दुनिया की अर्थनीति चलती है, कई राज्यों की अर्थनीति चलती है, दुनिया के कोई देशों की अर्थनीति चलती है, तो बिहार को क्यों पीछे रखा जाएगा? बिहार को भी आगे बढ़ाना है। विकास कथा सह केन्द्र योजना एवं शेषे विरोधी को घेरी धर्मेन्द्र कहते देश को बिहार सबुबले कर प्रभावित सीमार सेना हो कि विश्व दरबार में भारत को गति देवा दिगरे सबुठ बिहार उपस्थित रही। केन्द्र योजन बिहार को दीजिए अधिक फोकस। चाषी आमदानी बढ़ावा गरीबों घर आ चूली बदल में एलपीजी पहुंचाई पारी केन्द्र। मोदी सरकार नेतृत्व में बिहार विकास आगे चलती एवं एथिरे बाधा न दे पुणी थरे विकास धारा रे गति देबा पई आह्वान देछंती केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। एथिसहित कांग्रेस पाकिस्तान रो भाषा कहुतिबा सह आरजेडी रो मिच्छ प्रतिश्रुति उपरे बरसिथिले केंद्र मंत्री। आज की कांग्रेस पार्टी आजादी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन कम से कम उनको इतना तो मर्यादा रखनी चाहिए, कांग्रेस की नाम उनके साथ जुड़ा है। चाइना की भाषा बोलते हैं, आज सुबह अखबार में आई है कि प्रधानमंत्री बताए चाइना की सैनिक कब हटेंगे। अरे भाई, आप तो रोज बात करते हो चाइना की राजदूतों से, चाइना के अधिकारियों से, आप ही बताओ, सैनिक हमारी सीमा पे जानबाजी पे लगाए हैं और आप सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए भारत में प्रश्न खड़ा कर रहे हो। उनकी नेता कभी कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को क्या कहें। प्रजातंत्र में विपक्ष अगर सारे प्रकार की मर्यादा और अपनी सीमा उल्लंघन करती है, थोड़ा चिंता भी लगती है। से बड़े चलित निर्वाचन रे फोकस रे रही बिहार देखा मिलो एनडीए मेंटो बनाम महागठबंधन लड़े 243 विधानसभा आसन पर एथर लड़े हो जोरदार। जेडीयू बीजेपी एनडीए मेंटो आरजेडी कांग्रेस और अन्य दलों महागठबंधन मध्य चिराग पासवान एलजेपी बा लोक जनशक्ति पार्टी भी अच्छी मैदान में। 28 अक्टोबर में प्रथम पर्यायर मतदान अनुषित हो, नवेम्बर 3 तारीख से द्वितीय और नवेम्बर 7 तारीख से तृतीय तथा शेष पर्याय भोट ग्रहण हो, नवेम्बर 10 से भोट गणति। प्रचार कले विरोधी जोरदार बरसिले एनडीए सरकार विकासमूलक कार्यर हिसाब दे एनडीए प्रार्थी को भोट देवाई बिहारवासी को अपील कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पटनारू कैमरा पर्सन टूना मंडल इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।